माय चैनल ठाकुरा। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत दिन हो गए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि जैसे कि अभी मतलब न्यू ईयर बोल के मेरा मतलब इतना बिजी हो गई ना, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो बीच में मकर संक्रांति आ गई, उत्तरायण मनाने गुजरात चले गए, बिजी हो गई टोटली और मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। आप लोग देख सकते हो मेरा लास्ट ब्लॉग एक महीना हो गया, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गिव अवे का टाइम आ गया और इंसान गायब हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आ गई हूँ वापस, तो मैं अभी एक्टिव रहूँगी पूरा। तो गाइज, आज के ब्लॉग में गिव अवे भी होंगे, डोंट वरी। हर महीना बोला है, मैं मेरा प्रॉमिस पक्का रखती हूँ। तो फिर आज होंगे एक गिव अवे आप लोगों के लिए एंड सारे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखे पता तो चल गया है कि आज का मेरा जो ब्लॉग है वो स्पेशली हेयर केयर के ऊपर है, क्योंकि जैसे कि विंटर अभी भी चल रहा है, बहुत सारी जगह इतना ज्यादा ठंड बढ़ गई है। जैसे कि हम स्किन केयर करते हैं, हेयर केयर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का मेरा ब्लॉग है हेयर केयर के ऊपर। तो चलिए ब्लॉग को ज्यादा लंबा ना करते हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ सब कुछ डिटेल शेयर करते हैं एंड डोंट फॉरगेट आज के गिव अवे में पार्टिसिपेट भी आपको करना है। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ शेयर करूंगी मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ और मेरे को सच्ची में उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं विंटर के लिए। तो मैं सारा चीजें जो विंटर में अभी हेयर में यूज कर रही हूँ सारा प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो एक एक करके दिखाते हैं। सबसे ज्यादा विंटर में क्या दिक्कत होती है लोगों को, सबसे ज्यादा विंटर में होते हैं सबको डैंड्रफ की इशू है कि नहीं? मेरे हस्बैंड को भी डैंड्रफ की बहुत इशू है एंड मेरा अभी डैंड्रफ का इशू है एंड मेरा भी थोड़ा बहुत था। बाद में अभी जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उससे मेरा जो डैंड्रफ थोड़ा बहुत भी था ना वो भी गायब हो गया और मेरा हस्बैंड के भी मतलब थोड़ा सा बेटर हो रहे जो डैंड्रफ इशू है उनके। थन में डैंड्रफ हो ही जाते हैं, वो तो मामूली सी बात है, बट डैंड्रफ के लिए जो स्पेशली लगाना होता है ना प्रोडक्ट्स, मैं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को होते हैं ये प्रॉब्लम। तो डैंड्रफ के लिए स्पेशली मैं दो प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, दोनों प्लम के प्रोडक्ट्स है, आप लोगों को दिख रहे होंगे दोनों प्लम प्रोडक्ट्स है दोनों। एक क्या है आपका, ये जो है ना स्काल्प सीरम है, ये स्काल्प सीरम मैं क्या करती हूँ रात को लगा के सो जाती हूँ, तो ये स्काल्प सीरम लगाना होते रात को। एंड ये है आपका स्काल्प स्क्रब, ये क्या होता है जब आप शैम्पू करोगे ना सुबह रात को ये लगा के सो के सीरम लगा के एंड सुबह आपको ये स्क्रब से वो अच्छे से रब कर करके उसको आप शैम्पू से वॉश कर सकते हो। तो ये दोनों स्पेशली डैंड्रफ वालों के लिए है, जिनको प्रॉब्लम था सोल्यूशन मिल गया है, ट्राई कर लीजिए आप लोग भी। तो इसके बाद मैं कौन सा हेयर ऑयल लगाती हूँ, मेरे को हेयर ऑयल चाहिए होता है, मैं हफ्ते में दो बार हेयर ऑयल लगाती हूँ, पता नहीं सबका अलग अलग होता है, मैं दो बार ही लगाती हूँ हफ्ते में। मैं रात को सोने के टाइम लगाती हूँ स्पेशली हेयर ऑयल, ये मैं पैराशूट का ऑनियन ऑयल लगा रही हूँ। और मेरा थन में हेयर ऑयल लगाने का एक वो दूसरा सिस्टम अलग है, मैं हेयर ऑयल को गर्म करके लगाती हूँ हमेशा। थन में क्या होते है तेल बहुत ठंडा ठंडा होते है, तो मेरे मम्मी बोलते हैं कि रूट्स को भी प्रॉब्लम होती है बाल ग्रो करने के लिए कि ठंडा है तो जम जाते हैं ऐसे बोलते। तो मैं पहले से ही मतलब हेयर ऑयल गरम करके ही लगाती थी। पहले क्या करते थे मम्मी, ऐसे कटोरे में डाल देते थे, फिर गैस के स्टोव में रख देते थे, फिर गरम करके लगा देते थे। बट अभी हेयर ऑयल को गरम करके लगाते हो, ये मेरे पास एक मशीन है जिसको आपको प्लग इन करके इसमें ऑयल ऐसे डाल के दिखा देती हूँ, इसमें ऑयल डाल के ऐसे ढक्कन लगा के ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक है, जब तेल गर्म हो जाएंगे कुछ से बंद हो जाते हैं। तो मैं इसमें ऑयल को गर्म करके लगाती हूँ, तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है तेल गर्म करके लगाना स्पेशली थन में, और बहुत ही अच्छा लगता है सर को भी, ठंडा ठंडा तेल लगाने से मजा नहीं आता है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, ये पैराशूट का जो ऑनियन हेयर ऑयल है ना, मैं मतलब लास्ट 1 ईयर से भी ज्यादा हो गया होगा, मेरा ये तीसरा बॉटल है, मैं लगाती ही रहती हूँ, मेरा फेवरेट है। तो चलिए उसके बाद दिखाते हैं मैं शैम्पू कौन सा यूज कर रही हूँ थन में। तो मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ, ये डॉट एंड की का बॉटल है मेरा, ये शैम्पू है। मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डैंड्रफ के लिए स्पेशली मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने जाती हूँ ना मेरा बाल झड़ जाते हैं, तो मैं कभी ट्राई नहीं करती। तो इसके लिए मैं यही शैम्पू यूज कर रही हूँ, जैसे कि मैंने दिखा दिया डैंड्रफ के लिए स्पेशली मेरे पास प्रोडक्ट्स है, मैं वही यूज करती हूँ। तो ये रहा जो शैम्पू, डॉट एंड की का बॉटल दिखने में बहुत ही क्यूट है एंड शैम्पू भी बहुत ही अच्छा है।
तो चलिए उसके बाद एक चीज आप लोगों को और बता देती हूँ, मैं ना कभी भी बालों में कंडीशनर नहीं लगाती। बहुत सारे लोग बोलेंगे कंडीशनर यूज नहीं करते क्यों, कैसे, मैं नहीं यूज करती, मुझे कंडीशनर बिल्कुल नहीं भाते, मजा नहीं आता। मैं क्या करती हूँ, मैं एलोवेरा जेल यूज करती हूँ बालों में। जब भी मैं बाल धोती हूँ मैं एलोवेरा जेल एंड ये शैम्पू मिक्स करके लगाती हूँ। ये मेरा मम्मी का एक मतलब घरेलू नुस्खा बोल सकते हो आप लोग, तो ये मेरा फेवरेट है। एलोवेरा जेल के साथ शैम्पू मिक्स करके लगाती हूँ तो मेरे को कंडीशनर की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं ओरिजिनल एलोवेरा के पौधे हैं, आप ओरिजिनल एलोवेरा यूज कर सकते हो। मेरे पास नहीं है तो मैं ये दब्बा कजीबा का है तो ये यूज कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं आफ्टर हेयर वॉश क्या करती हूँ, सीरम जो लगाती हूँ वो मेरा है सेंट बोटानिका का। ये सीरम बहुत ही अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा सीरम अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चेंज करना चाहती हूँ, यू कैन ट्राई दिस वन, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद है ये। मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, मेरा फेवरेट है। ये रहा बॉटल। फिर मैं और एक चीज यूज करती हूँ, बहुत सारे लोग आजकल यूज करना कम करते हैं बट मेरा अभी भी कंटिन्यू है। मैं हेना लगाती हूँ बालों में, ये हिमालय ब्रांड का है, दिख रहे हैं आप लोगों को। मैं हेना यूज करती हूँ क्योंकि मेरे को हेना यूज करना पसंद है। एंड जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, अभी मैं बाल स्ट्रेट नहीं कराती हूँ क्योंकि स्ट्रेट करा के मेरा बिचारा बाल बहुत ही वीक हो गया है, तो मैं अभी बंद करती हूँ। हेना मेरा अभी भी कंटिन्यू है, मेरे को हेना लगाने से अच्छा लगता है बाल। मेरे को सच्ची में पहले से बहुत पसंद था, बीच में जब बाल स्ट्रेट करती थी हेना लगाना पूरा बंद हो गया था, अभी स्ट्रेट करना बंद कर दिया है तो वापस हेना लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो इतना सारे सामान है, ढेर सारा सामान नहीं है। ये मेरा थन का मतलब केयर है, और ये हेना मैं सिर्फ थन बोल के नहीं, ये मैं हर टाइम लगाती हूँ। फिर सीरम भी हर टाइम लगाती हूँ, इसका भी थन के साथ कुछ वो नहीं है। तो थन के लिए स्पेशली डैंड्रफ के सामान है, क्योंकि डैंड्रफ इतना होते हैं ना, स्पेशली ऑयल लगाया करो। बहुत सारे लोग होते हैं आजकल के जेनरेशन के, तो मतलब कैसा होते हैं, मेरा खुद का भाई, ऑयल लगाना नहीं है, ऑयल लगाने से मतलब दिखने में खराब लग जाते हैं, ऐसा नहीं होते। ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बालों के लिए, लगा के सो जाओ, सुबह वॉश कर दो, खत्म, आपका दिखने का लुक का कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ गिव अवे के साइड चलते हैं। अभी दिखाती है आज के गिव अवे में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के। तो आज का गिव अवे इंट्रोडक्शन कर देते हैं। आज के गिव अवे स्पेशली नया साल स्टार्ट हो गया है, इसलिए आज के गिव अवे में दो विनर होंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सामान का कॉस्ट बढ़ा दिया है। 2500 रुपीस का प्रोडक्ट्स लेके आए हो, तो दो विनर होंगे आज के जो हमारे गिव अवे है उसमें। तो चलिए सामान दिखा देती हूँ आज के गिव अवे में आप लोगों के लिए क्या है। आज के गिव अवे में स्पेशली लेडीज का फेवरेट सामान है मेकअप प्रोडक्ट्स है, तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस आज के गिव अवे में मैं लेके आई हूँ बेलोरा पेरिस ब्रांड के सामान, जिसमें आप लोगों को दिख रहे बेलोरा पेरिस का मॉइस्चराइजर, इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर है, जो मेकअप से पहले लगाना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सबको पता है। एंड 3 लिपस्टिक्स। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए आप लोगों को रूल बता देती हूँ, क्या रूल है गिव अवे का। तो गाइस गिव अवे रूल्स बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पार्टिसिपेट किया है तो पता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पे मैंने मेंशन की है गिव अवे रूल्स, जो बहुत ही इजी है। तो पहला जो गिव अवे रूल है वो है, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन होते हैं बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। एंड सेकेंड आपका जो रूल है वो है, आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने मेंशन करके रखा है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है rima_mihir_sohan। एंड थर्ड जो रूल है वो है, आप लोगों को मेरा जो ये ब्लॉग है, फिलहाल जो आप लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो, ये ब्लॉग को आप लोगों को शेयर करना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे। जब भी आप लोग फेसबुक पे शेयर करेंगे मेरे को कैसे पता चलेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर देना वो स्क्रीनशॉट। और साथ ही साथ आप लोगों को बोनस पॉइंट ये होंगे, जब भी आपके कोई फ्रेंड या फिर आपके फैमिली में से कोई मेरे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट पे लिख देंगे आपका नाम मेंशन करके कि मैं इनके दोस्त हूँ या फिर इनके फैमिली हूँ, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे। जितना आप अपने दोस्तों को या फिर अपने फैमिली मेंबर को मेरे ये ब्लॉग में शामिल कर सकते हो उतना ही आप लोगों का फायदा है। और फोर्थ है, आप लोगों को कॉमेंट में लिखना है हैप्पी न्यू ईयर। तो ये बहुत ही सिंपल है जो गिव अवे रूल है। तो गाइस आज के ब्लॉग यहीं पे खत्म करूंगी मैं। कैसा रहा आज का ब्लॉग बोलना जरूर मत
भूलना कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ मैं, कोई कोई वर्ड्स भूले जा रही हूँ, क्या बोलना है ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, अगर आप नया हो लास्ट तक देखा है चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मैं ऐसे नए नए ब्लॉग्स लाती रहूंगी, गिव अवे लाती रहूंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।